इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट को कहा जा रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट। पर क्यों 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 दोस्तों बॉक्सिंग डे टेस्ट, और इसको क्यों बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है? क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज रहते हैं और हमने कार्टून पे देखा है कि कैंगरूज को बॉक्सिंग पसंद है, तो क्या ये वो वजह है? वेल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये वो वजह बिल्कुल नहीं है। असली वजह क्या है मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा क्रिकेट रिबॉर्न के साथ और ये वीडियो को अंत तक देखिए। पर उसके पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल क्रिकेट रिबॉर्न सो फास्ट टू सी बिल्स एंड टैक्स टेक ऑफ। दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो समझ आएगा कि बॉक्सिंग डे क्रिसमस के बाद वाले दिन मतलब 26 दिसंबर को कहा जाते हैं। इसके दो कारण हैं। कई कई देशों में चर्चेज में बॉक्स में आने वाले क्रिसमस गिफ्ट्स खोला जाता है इसी दिन पे, और कई कई देशों में दिसंबर के 26 तारीख को गरीबों में गिफ्ट बांटे जाते हैं। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, ये सभी गिफ्ट्स एक्चुअली बॉक्स में दिया जाते हैं, बॉक्स में बांटे जाते हैं, और इसी वजह से इस दिन को बॉक्सिंग डे कहा जाते हैं। यह सभी के लिए एक छुट्टी के दिन होता है। यह जनरली कॉमनवेल्थ नेशंस जैसे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा माना जाता है। तो दोस्तों यह शुरू कैसे हुआ था? 1950-1951 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज में चौथा दिन का प्ले इसी दिन में हुआ था। और उसके बाद बहुत सालों बाद फिर 1974-1975 तो जो एशेज सीरीज था उसमें 6 टेस्ट होने का संभावना था, और सभी टेस्ट को शेड्यूल के अंदर फिट करने के लिए जो थर्ड टेस्ट था वो स्टार्ट हुआ था बॉक्सिंग डे के दिन। ये पहली बार हुआ था जब बॉक्सिंग डे के दिन एक टेस्ट मैच स्टार्ट हुए थे। उसी के बाद से 1980 के बाद से द आइकॉनिक मेलबर्न ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स द बॉक्सिंग डे टेस्ट विद ऑस्ट्रेलिया एंड एन ऑपोजिशन टीम। सबके काम से छुट्टी रहने के कारण इस मैच में बहुत ज्यादा क्राउड रहता है और इसीलिए इसे एक हाईली एंटिसिपेटेड मैच कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कैलेंडर के सबसे हाईलाइटेड डे है। अभी तक इंडिया ने 1985, 1991, 1999, 2003, 2007, 2011, 2014 और 2018 में बॉक्सिंग डे टेस्ट के हिस्सा बने हैं। लास्ट टाइम इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया locked horns against each other on a boxing day test, it was 2018। और वहां पे क्या हुआ था? इंडिया 137 रन से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिए थे। पर इस बार क्या इंडिया फिर से वो चीज कर सकते हैं और क्या सीरीज को ड्रॉ पे ला सकते हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस बार बॉक्सिंग डे का टेस्ट कौन जीतने वाला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए बहुत सारे दोस्तों को, और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, पॉडकास्ट वीडियोस और बहुत कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस में लेके आऊंगा और आता रहता हूँ हमेशा। तो दोस्तों मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड या कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, यू नो व्हाट आर द थिंग्स, एनी सजेशंस यू हैव फॉर मी। और हाँ, सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी वेरी